हाय, मैं हुजमा खान, जायका दिल में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एग रोल। एग रोल बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, आप आराम से कभी भी इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे सामान लिया है, अंडा, मैदा और आटा वगैरह लिया है। ये बताऊँगी कितनी कितनी क्वान्टिटी में लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कप मैदा लिया और यह मैंने एक कप आटा लिया है। ये मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल में हमने मैदा ऐड कर दी और यह आटा भी ऐड कर दिया इसमें। अब हम नमक ऐड करेंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यहाँ हमने एक चम्मच नमक लिया है। यहाँ टू टीस्पून तेल हमने ऐड करा है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ की मदद से, अच्छे से मिला देंगे। अब इसका हमें डो तैयार करना है। हमें सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। ये पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे और एक डो तैयार करेंगे। पानी का इस्तेमाल जितनी हमें क्वांटिटी लगेगी, जितनी हमें ज़रूरत लगेगी, उतना हम पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे। आटा हम सही इसमें आटा गूंध लेंगे सही इसमें। देखिए हम आटा गूंध रहे हैं, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख सकते हैं अच्छे से हमने आटे की गुंधाई करी है। आटे को अच्छे से गूंदना, अगर आप अच्छे से आटे को नहीं गूंदते हैं तो हमारे जो पराठे हम बनाएंगे एग रोल के लिए, वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होंगे। अभी आटा गूंद गया है, बिल्कुल सॉफ्ट तो तैयार कर लिया है। अब हम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे। इस साइज़ के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए अब इसको हम बेलेंगे, एक पराठा बेल लेंगे हम। हल्का सूखा आटे की मदद से बेल लेंगे, सूखा आटा लगाते रहेंगे। देखिए हमने बेल लिया है पराठा। हम तवे गरम कर लिया है, हमने तवे को गरम कर लिया है, इस पर हमने पराठा डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सिकने देंगे। हमने पलट दी, अब देखिए अच्छे से सिक गया है पराठा हमारा। थोड़ा इस पर ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल लगाएंगे। हम इसका पराठा बनाना है तो इसमें हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक साइड से तेल लग गया है, दूसरी साइड से तेल लगाएंगे इसमें, इधर से भी तेल लगा लेंगे। अब इसे पलट पलट कर सेक लेंगे पराठे को। पलट पलट कर सेक लेंगे इसे दोनों साइड से, अच्छे से पराठा सेक लेंगे, कच्चा ना रहे हमारा पराठा बिल्कुल। अभी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, इसे साइड में रख देंगे। दूसरा पराठा भी हमने इस तरह से ही बनाना है, इस तरह से सेक के बनाएंगे इसको भी। दोनों साइड से तेल लगा लगा के सेक लेंगे। देखिए इसमें भी तेल लगा दिया हमने साइड में। इस साइड भी तेल लगा देंगे इस पराठे में। अब इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक लेंगे। देखिए अभी तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हम इसमें एग लेंगे, हमने यहाँ तीन एग लेने हैं, तीन अंडे लेंगे हम।
तीनों अंडों को इसमें बाउल में हम फोड़ लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इसको फेंट लेंगे अच्छे से ताकि इसकी जर्दी और ये एग वाइट आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। बिल्कुल इसके तरह से फेंट के पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम अंडा ऐड करेंगे जो हमने भी फेंटा था। देखिए हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने बचा लिया अगले पराठे के लिए। अब इसमें हम ये पराठा लगा देंगे, इसी स्टेज में पराठा लगा देंगे ताकि हमारा पराठा इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा अंडा सिकेगा तो हमारा पराठा और अंडा एकदम चिपक जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल चिपक गया, फिक्स हो गया। थोड़ा हमारा ऑयल बचा है, इसमें हम दूसरा ऑमलेट इस तरह से बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था, पहले वाले की तरह इसे भी हम बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। अब इस पर भी हम एक पराठा चिपका देंगे इस तरह से। ध्यान रहे कि हमें हल्के कम गले ऑमलेट में ही पराठा लगाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बाद में अच्छी तरीके से सेक लेना है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हुए हैं। अब थोड़ी सी हमने प्याज डाली इसमें काट कर सेम तवे पे, इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी इसमें, थोड़ी शिमला मिर्च डाल दी है काट कर। आप चाहे तो शिमला मिर्च नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें, आप कोई और सी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम एक साइड में कर देंगे, ये हमारी सब्ज़ी पक गई है। अब हम इस पर लगाएंगे, अब हम पराठे पे लगाएंगे इसे सीधी लाइन पे, सीधी लाइन एक सी बनाएंगे हम, एक लाइन में लगाएंगे सब सब्जी को लंबी लाइन में एकदम। ये देखिए इस तरह से हम लंबी लाइन में लगाएंगे ताकि हमारा जो रोल बनेगा तो वो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए लंबी लंबी लगा दी हमने। अब थोड़ा हम डाल देंगे काला नमक, ऊपर से छिड़क देंगे इस तरह से। अब हम डाल देंगे चाट मसाला ऊपर से थोड़ा सा। अब हम डाल देंगे सॉस ऊपर से, डाल देंगे टमाटो सॉस से ही। अब इसको हम फोल्ड करेंगे पराठे को, रोल बनाएंगे इसका। देखिए इस तरह से आराम से एकदम प्यार से इसका रोल बना लेंगे हम। अब इसको हम आराम से इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है और ऊपर से हमने इस पर इस तरह से पन्नी लगा दी। आप देख सकते हैं हमारे रोल्स बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से रोल्स बनाएं, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़े लोग भी खाते हैं इसे बहुत शौक से। सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।